राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं जो समाज के लिए, देश के लिए और देश के युवाओं के लिए बहुत उपयोगी होंगे। इस बार जो शिक्षा नीति में साइंस, आर्ट, कॉमर्स के जो तीन ग्रुप हुआ करते थे इनको समाप्त किया गया है। इससे बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ गया है। किसी बच्चे के साथ कोई बाउंडेशन नहीं है कि कला कोर्स को लेकर उसे पढ़ना ही है। अगर वो चाहता है अपनी चॉइस के अनुसार कोर्स को सिलेक्ट कर सकता है, सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकता है। और सपोज जैसे पहले साइंस ग्रुप में हुआ करता था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी पढ़ना इम्पोर्टेंट है, अगर उसे फिजिक्स नहीं आती है तो उसकी जगह पर कोई और सब्जेक्ट ले सकता है। इन चीज़ों में जो सुधार किया गया बहुत अच्छा रहा है। अब देश के युवा जिस क्षेत्र में भी जाना चाहेंगे स्पेशली उन सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं और ज़्यादा उनके ऊपर परेशानी नहीं रहेगी। इसके साथ में ही जो छोटी क्लासों में वोकेशनल कोर्सेज किए गए हैं 6 से लेकर 8 तक में, ये बच्चे को कोई ना कोई एक शिक्षा वोकेशनल ट्रेनिंग देनी है, ये भी बहुत अच्छा है। बच्चा अगर आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता पढ़ाई, अपनी स्किल को उसमें बढ़ाएगा और अपने जीवन यापन का साधन इकट्ठा कर पाएगा। तो इन तरीक़ों से अब देश में युवाओं को बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, एक से अधिक कोर्स भी कर सकते हैं। जैसे एक कोई कोर्स कर रहे हैं, अगर उनको उस कोर्स को छोड़ करके कोई दूसरा कोर्स करना है तो कर लेंगे, दोबारा से आके अपना पिछला टूटा हुआ कोर्स पूरा कर सकते हैं। तो सरकार ने बहुत अच्छा किया है और सरकार ने सबसे अच्छी बात ये की है कि अपने जो देश के प्रति देश का इतिहास है उसके बारे में पढ़ाएगा। हमें विदेशियों का इतिहास पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बहुत सारे राजा ऐसे हुए हैं जिनके बारे में बहुत अच्छे कार्य किए लेकिन हम नहीं जानते हैं क्योंकि वो हमारे पाठ्यक्रम में नहीं हुआ करते थे। अब वो हमारे पाठ्यक्रम में आएंगे, उनके बारे में हम जानेंगे। अब हम एक ऐसी शिक्षा ग्रहण करेंगे या हमारे बच्चे करेंगे जो देश के हित में होगी, समाज में उनको समाज के बारे में जानकारी प्राप्त होगी, इससे बहुत बढ़िया रहेगा। धन्यवाद।